हेलो फ्रेंड्स, आई एम शोभिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। और ये मैं दूसरा एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि बचपन में मैं यहीं पे रहता था और सड़क इतना सन्नाटा है कि अगर एक स्कूटी या फिर बाइक भी जाए उसका मोटर का साउंड बहुत ज़ोर से आपको आप लोग सुन सकोगे। ये मैं 2001 के आसपास में यहाँ पर लास्ट रहता था, तो उस टाइम की जो हालात थी उस टाइम से ही लोग यहाँ से कलकत्ता की तरफ निकलना स्टार्ट कर दिया था। मैं यहीं पे बचपन में स्कूल में भी पढ़ा था एक साल शायद। तो ये वही सड़क है MMC, तो इसके आसपास की हालत आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे ये एक मेरे लिए एक मेमोरीज है। मैं शायद 14 साल बाद दोबारा यहाँ पे आया और जब मैं यहाँ पे साइकिल लेके घूमता था आसपास, तो वो तो 19 साल हो गए। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगा कैसा हालत है दुर्गापुर का जहाँ पे मैं रहता था। चलिए शुरू करते हैं। तो बस यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये पीछे मेरे MMC दुर्गापुर ब्रांच जो SBI थे, यही बैंक पे हम लोग आया करता था। और एक ज़माना हुआ करता था जब ये रोड मेन रोड हुआ करते थे, सब बस वगैरह यहीं से चलते थे। और अभी इस रूट पे कोई बस वगैरह चलते नहीं है, सिर्फ ऑटो चलते हैं। और उस टाइम पे आप लोग देख सकते हो एक ट्यूबलाइट जलती थी रोड में और उसी से रोड में विजिबिलिटी होती थी, वरना इसी तरह से जैसे कि हमारे वहाँ पे LED लाइट वगैरह सब कुछ बदल गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला। गवर्नमेंट यहाँ इस तरफ कभी नज़र नहीं डालते। सड़क की हालत भी देख सकते हो। यहाँ पे एक टाइम ज़माना हुआ करता था जब मतलब 10 से 15 मिनट के बाद ही एक बस मिलते थे, आज तो बस के पैसे भी नहीं उठते। और हम लोग यहीं से साइकिल चला के आगे आगे की तरफ हमारे जो क्वार्टर हुआ करता था एक टाइम पे, तो वहीं पे साइकिल लेके आसपास सब कुछ घूमता था। कितना अच्छा सड़क थे। वैसे सड़क की हालत देखकर मुझे लग रहा है शायद राइट साइड से उस तरफ से जाना बेहतर होता। और ऊपर जो सामने मेन रोड दिख रहा है वो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 2 MMC मोड़। और आगे छोटा सा एक मार्केट है। ये जो रोड की हालत ऐसे हो गई है ये गवर्नमेंट को शायद पता भी नहीं होगा किस तरह का हो गया। वैसे आज बहुत सारे यहाँ का इंडस्ट्रियल प्लांट भी बंद हो गया जिसके वजह से उन लोगों का क्वार्टर वगैरह सब कुछ उसी तरह सा है, लेकिन लोग सब चले गए। अगर मुझे सच में पता होता मैं उस तरफ से चलता। एक ज़माना हुआ करता था जो यही मेरी लाइफलाइन थी, पूरा दिन यही पे। उस टाइम पे ना इंटरनेट था ना कुछ था, TV वगैरह भी एंटेना से चलता था, तो उस टाइम पे मैं यही पे साइकिल लेके घूमा करता था, कभी कभी इसके घर कभी दूसरे के घर। यहाँ पे उस टाइम पे भी सारे दुकान हुआ करता था जो आज भी है। मुझे सारे सब कुछ मेरे पास्ट की जो बचपन में मैं यहीं पे बिताया था सब कुछ याद आ रही है आहिस्ते आहिस्ते। सिर्फ ज़माना बदल गया क्योंकि आज मैं शायद 14 साल या फिर 15 साल बाद यहाँ पे दोबारा आया, तो इसके बाद कब आऊँगा वो भी मुझे नहीं पता। ये जो राइट साइड पे है यहाँ पे मेरे मम्मी के दोस्त उनके घर आया करता था साइकिल लेके, और पुलिस स्टेशन भी नज़दीकी था। इसी रोड से अंदर जाओगे तो पुलिस स्टेशन भी, और मम्मी के जो दोस्त थे मेरे मासी हुआ करते थे, आज भी है यहीं पे। सिर्फ हम लोग यहीं से चले गए शायद ऐसे लग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहीं से चले गए एक्चुअली में। दोनों तरफ से हम जाते थे क्वार्टर में और जा सकते हैं आज भी, तो मैं लेफ्ट साइड इसीलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि आने के टाइम पर राइट साइड से आप लोगों को दिखाऊँगा। यहाँ पर हॉस्पिटल हुआ करता था, मैं इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए कभी कभी आया करता था।
जो राइट साइड में आप देख रहे हो यही वो हॉस्पिटल है। हालात आप लोग देख सकते हो। यही से अंदर जाके वहाँ पे बैठ के मैं लेफ्ट साइड लेता था, उस तरफ भी कभी कभी जाया करता था। आज इस सड़क की हालत ऐसी है कि अगर एक पत्ते पड़े रहते हैं तो उसको हटाने के लिए भी कोई नहीं है, और धूल मिट्टी से भरा हुआ है सड़क। बहुत दुख होता है कि एक सिटी हो पहली बात, और दूसरी बात जब मैं रहता था तब कुछ अलग था और आज कुछ अलग हो गया। यह आसपास के जितने भी क्वार्टर वगैरह फील्ड वगैरह सब देख रहे हो, मैदान पूरा खाली है। और जो क्वार्टर है आज कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग चले गए। ये सारे क्वार्टर जो है ये खाली है, ये लोग तो सब पार्टी ऑफिस बना लिया। अब यही चलते हैं इस देश में, देखो कोई नहीं है, पूरा खाली है। बहुत अच्छा जगह है कि अगर ये जिस हमारे वहाँ पे इस तरह का आज भी रहता था तो शायद ये जो आसपास के जो जगह है ये पेड़ पौधे काट के पार्किंग लॉट ठेला वाला सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे तो साइकिल लेन भी है जो स्मार्ट सिटी का एक स्ट्रक्चर होता है। मेन रोड के पास में एक साइकिल लेन होगा और शायद ये जो मेन रोड है सिर्फ इसी में चलाने के लायक है। इसी रोड से बस निकलते थे 10-15 मिनट के बाद, और मैं बचपन में यहीं पे पढ़ने के लिए आता था इसी क्वार्टर में। मेरे दीदी हुआ करते थे तो उनके पास पढ़ने आता था। और राइट साइड पे हमारा क्वार्टर है और हम कभी कभी इस मार्केट पे भी आते थे। आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट दिखा देता हूँ, ये B2 मार्केट है। ये सब मेरे मेमोरीज है इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये B2 मार्केट है। वैसे यहाँ से भी जाने के एक रास्ता है, मुझे शायद उतनी अच्छी तरह से मालूम नहीं है और मैं अभी रिस्क नहीं लूँगा। कितना अच्छा लग रहा है लेकिन सब खाली खाली सा है। यहाँ का पॉपुलेशन सच में बहुत डाउन हो गया और यहीं से सारे लोग हावड़ा बैरकपुर जाके बस गया। यहीं से आगे अंदर जाके आप लोगों को हमारा क्वार्टर भी दिखा देता हूँ। वैसे जो क्वार्टर का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर था वो हर जगह पे होता है, ये जो दिख रहा है आसपास सारे क्वार्टर इस तरह का ही होता है। सिर्फ फर्क इतना है कि आज के डेट में सब टूटा फूटा है, कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं होता है। जिन लोगों के पास जो भी है वो उसी में खुश है और रहता भी है। ये जो बड़े मैदान दिख रहे हो आज खाली है। मैं एक ज़माने में यहीं पे खेला करता था, खेलता हुआ वो शाम मुझे आज भी याद है। मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ क्योंकि पीछे मेरा क्वार्टर छूट गया, आप लोगों को दिखा नहीं पाया। मैं पीछे यहीं से ये इस रोड से आगे स्कूल की तरफ जाते थे। मेरे पीछे स्कूल है एक छोटा सा, वहीं पे पढ़ता था उस टाइम पे। और ये जो मैदान है
कितना अच्छा लग रहा है। हमारे वहाँ पे आज के डेट में कोई मैदान वगैरह कुछ भी नहीं है, और ये हमारा क्वार्टर है। वैसे अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ, नहीं तो क्वार्टर के पीछे की तरफ जो बहुत बड़ा एक ज़मीन है वो भी दिखा देता। और ये चीज़ अगर हमारे शहर में होता तो वहाँ के रहने वाले लोग आज भी बहुत ज़्यादा फिट होता। आज के डेट में हमारे वहाँ पे कोई मैदान वगैरह कुछ भी नहीं है, हर जगह पे सिर्फ घर बन गया। तो बस इतनी सी है, और आगे आप लोगों को दिखाता हूँ जो रोड कंडीशन है कितना अच्छा है। सच में इतने बड़े बड़े रोड अभी भी बना हुआ है, लेकिन कोई ना कार ना कुछ भी। यही वो रोड है जो एक ज़माने में भरा हुआ करता था, कितने सारे बस वगैरह सब कुछ चलता था उस टाइम पे, और आज देखो हालत कैसी हो गई है। हर तरफ सिर्फ पेड़ दिखने को मिलता है, सिर्फ जंगल है, जंगल जंगल बन गया पूरा। और लोकेशन देख लीजिए आप लोग, सच में कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ पौधों से पूरा भरा हुआ है। गर्मी के टाइम पे मतलब इस रोड में सच में कार वगैरह सब कुछ चला के मज़ा आएगा। वैसे जो पीछे की तरफ वो जंगल है, जंगल को क्रॉस करके हम लोग यहीं से शॉर्टकट लेके आगे मार्केट जाता था, इस तरफ मार्केट है, और यहीं से आगे सीधा नेशनल हाईवे 2। वैसे वक्त नहीं मिला ज़्यादा इसीलिए। तो ये मेरी एक छोटी सी मेमोरीज थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया इस वीडियो में। तो और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर आप शहर से रहते हो और आप लोग शहर के आसपास इस तरह का पेड़ पौधे अगर रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन Have a good day. Bye bye.